पटना एसएसपी के एक बयान से सियासी तूफान आ गया है। बीजेपी तो हाथ धोकर एसएसपी के पीछे पड़ गई है। पुलिस मुख्यालय से एसएसपी को शो कॉज नोटिस दिया गया है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि एसएसपी के मसले पर लीपापोती हो रही है। उधर एसएसपी के समर्थन में आरजेडी और जेडीयू अब सामने आ गई है। पटना एसएसपी के बयान पर बढ़ा बवाल। एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई चाहती है बीजेपी। बीजेपी की मांग से जेडीयू ने किया किनारा। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। पटना एसएसपी का यही बयान उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर गया है। विभाग से जो नोटिस मिला सो अलग, बीजेपी हाथ धोकर पड़ी है, कार्रवाई की मांग पर अड़ी है। मुझे लगता है कि केवल लीपापोती और शो का उससे थोड़ी काम होगा। और विपक्ष को तो पहले हर चीज गलत ही लगता था, कहते थे पदाधिकारी जो है वो सत्ता पक्ष के लोग हैं और आज वो उनके पक्ष की बात कर रहे हैं। तो विपक्ष तो खुद राजनीति के लिए राजनीति करता है। विपक्ष को तो अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। इसीलिए केवल लीपापोती से काम नहीं चलेगा, इस पर एक्शन होना चाहिए। अब लोग सब केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, ऐसा भी तो है उदाहरण। बहुत से लोग जो केंद्र में मंत्री आज हैं, उन्होंने आरएसएस पर क्या क्या बोला है, और अभी इसी के में भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं। तो छोड़िए ना उस सब बात पर, कौन क्या बोलता है क्या नहीं। जेडीयू ने बीजेपी की मांग से किनारा कर लिया, साथ में बीजेपी को आईना भी दिखा दिया कि जो लोग संघ पर सवाल उठाते थे वो आज ऊंचे पद पर बैठे हैं। तो उधर विरोधी बीजेपी की स्ट्रेटजी पर ही सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि सरकार में रहकर मांग क्यों कर रहे हैं। ऐसा कुछ कहने का उनका अभिप्राय नहीं था वहाँ पे, तो उनका जो कथन था उससे कोई हम नहीं समझते हैं कि किसी के भावना को आहत होना चाहिए। बाकी जो एसएसपी पर कार्रवाई की बात चल रही है तो कार्रवाई करना किनको है, खुद जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं और वही कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही हास्यास्पद लगता है। उनका क्या डिमांड है भाई, वो आप उसके मालिक हैं क्या, आप पार्टी हैं, आप बीजेपी पार्टी हैं, सरकार मुख्यमंत्री चला रहे हैं, तो सरकार में सबका समाहित रहता है, सरकार जो चाहेगी वो न होगा, आपके कहने से नहीं होगा। इसलिए मैं बीजेपी का जो डिमांड है इसका मैं कतई समर्थन नहीं करता। जेडीयू के तेवर से तो लग रहा है कि पटना एसएसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो तब बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि सवाल बीजेपी की मातृ संगठन आरएसएस पर हुआ है। तो क्या बीजेपी खामोश रह जाएगी, बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पटना एसएसपी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है, तो बीजेपी इस मसले पर जेडीयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने जवाब दिया है। क्या लगता है उन्होंने गलत कुछ बोला है? गलत कहा कि सही कहा, यह भी हम कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं। हाँ, अगर कुछ गलती है तो जो के विभाग में या उनके कोर्ट के अनुसार क्या है उनको बोलना, क्या नहीं है उनको बोलना, देखने की कोई अथॉरिटी तो है ना, तो जो भी अथॉरिटी है वो अथॉरिटी देखेगा कि इसमें गलती है तो फिर कार्रवाई करेंगे। एसएसपी पटना का बयान दोनों से तुलना करना मेरे समझ से उचित नहीं है। दलित तो एसएसपी हैं, एसएसपी को परेशान करने का जहाँ तक सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि ऐसी ऐसी बातें प्रायः होती रहती है, कभी स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, कहने का कोई दूसरा उनका मकसद हो सकता है, लेकिन इसको कोई इशू जो बनाया जा रहा है इसमें कहीं कहीं ऐसा लगता है कि शायद कमज़ोर आदमी हैं या कमज़ोर तबके के लोग हैं इसलिए इसको इशू बनाया गया है।